अक्सर जब हम मॉल या मार्केट जाते हैं तो कॉर्न चाट हम ज़रूर ट्राई करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कॉर्न चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल अलग है। ये है सीज़वान कॉर्न चाट। तो आप भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें बनाकर घर में, और आपको ये कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पर एक पैन ले रही हूँ मैं, और इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर। बटर जब पिघल जाए तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। आप चाहो तो यहाँ जिंजर का भी यूज़ कर सकते हो, और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए हाई फ्लेम पे हमें सॉटे कर लेना है। उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे एक अनियन जो मैंने बहुत ही बारीक कट करके लिया हुआ है, और इसे भी हम हाई फ्लेम पे कुछ देर के लिए सॉटे कर लेंगे। अनियन को हमें तकरीबन 30 से 40 सेकेंड हाई फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए पका लेना है। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ग्रीन कैप्सिकम जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था, और इसे भी हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 से 20 सेकेंड तक हमें सॉटे कर लेना है। यहाँ जो भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उसे हमें पकाना नहीं है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर जिसको मैंने बहुत बारीक कट कर लिया था, मीडियम साइज़ का टमाटर मैं ले रही हूँ, और इसे भी कुछ देर हम सॉटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ में 1/2 चम्मच ओरेगैनो, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सेज़वान सॉस जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हमारे चाट का। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है। आप यहाँ चाहो तो सेज़वान सॉस या चिली फ्लेक्स कम या ज़्यादा ले सकते हो, मैं कम ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप्स फ्रोज़न कॉर्न। आप चाहो तो यहाँ ताज़े कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसको पहले बॉयल करके पका लेना। अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि जो मसाले हैं और जो वेजीज हैं जो भी मैंने ऐड करा है वो एक दूसरे में मिल जाए, और ढक करके हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको पका लेना है। हमारे जो कॉर्न चाट है यहाँ बनकर तैयार है। अब इसमें मैं फाइनली ऐड कर रही हूँ चॉप्ड किए हुए धनिया के पत्ते, और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। इन सबको अब हमें अच्छे से मिला लेना है, और हमारा बहुत ही लजीज और चटपटा सा मसालेदार कॉर्न चाट बनकर तैयार है। देखिए ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और यकीन मानिए ये खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। तो आप भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें घर पे, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और यकीनन मार्केट से तो अच्छी ही बनकर आएगी। इसे गार्निश करेंगे हम कुछ कटे हुए हरे प्याज और वाइट तिल के साथ, और हमारी सेज़वान कॉर्न चाट जो है वो अब तैयार है खाने के लिए। तो आप भी बनाएं और ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।